हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो है जब हमारी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है हैंडल से लेके। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारे पास कोई भी बाइक आती है तो होता क्या है, जब धीरे धीरे जहाँ पर ये इसका कोण सेट होता है, मान लो जहाँ पर जंग लग गया, गोली ख़राब हो गई, किसी की गोली दाग हो जाती है, या जो इसकी कोण होती है वहाँ से वो ख़राब हो जाती है, ठीक है, या कुछ समय बाद मान लो जैसे कि यहाँ पर जंग लग जाता है, तो ऐसे में होता क्या है, हमारे हैंडल में काफ़ी भारीपन आने लगता है और जिससे हमारा हैंडल आवाज़ करने लगता है, तो ये इसकी प्रॉब्लम होती है। तो अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर मान लो हम उसके अंदर गोली ग्रीस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोण सेट डाल देते हैं, तो हमारी बाइक ओके हो जाती है, उसकी आवाज़ भी बंद हो जाती है खट 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 की, और यहाँ पर जो हैंडल होता है उसमें भारीपन होता है वो भी वहाँ से ठीक हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो ये मेरे पास हीरो की बाइक है, मैं आपको दिखा दूँ, हीरो स्प्लेंडर प्रो। तो अब यहाँ पर देखिए, बाइक हमारी 85,389 किलोमीटर चली है, ठीक है, तो अब तक ये रियल चली है। तो यहाँ पर भाई ने जो है इसके अंदर दो बार यहाँ पर इसमें कोण सेट डलवा दिया। अब यहाँ पर हुआ क्या, भाई ने यहाँ पर 1100 रुपये तो लगवा दिए, ठीक है, लेकिन तब भी यहाँ पर जो है हैंडल के अंदर से जो भारीपन होता है वो नहीं गया। जैसे कि होता क्या है, जब हम हैंडल को टाइट कर देते हैं ना और उसके अंदर भारीपन रह जाता है, तो वो प्रॉब्लम इसके अंदर थी, ठीक है, और अभी भी वो सेट नहीं हुई। तो यहाँ पर अब देखिए, भाई मेरे पास आया है वीडियो देख के, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूँ, जो ये बाइक होती है, कभी अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आपने क्या करना है, ठीक है, आपने मान लो उसके अंदर कोण सेट वगैरह भी डाल दिया, बिल्कुल ओके, आपने तरीके से बिल्कुल जेन्युइन डाल दिया, सही तरीके से काम कर दिया, तो तब भी यहाँ पर जो है उसके अंदर से भारीपन नहीं गया। तो होता क्या है, यहाँ पर भाई ने यहाँ पर 1100 रुपये तो लगा दिए, लेकिन मैंने ये काम सिर्फ 100 रुपये में किया है, सिर्फ इससे 100 रुपये लिए हैं, क्योंकि मेरे पास देखो YouTube चैनल देखे आया है, तो मैंने इसका एक काम कर दिया। अब यहाँ पर इसके अंदर छोटी सी प्रॉब्लम थी, ना कि मैंने इसके अंदर गोली ग्रीस किया, मतलब कोण सेट डाला, ना मैंने कुछ और किया इसमें। अब प्रॉब्लम क्या थी, देखिए, जब हमारी बाइक का जो ये फ्रंट टायर होता है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका फ्रंट टायर है, तो यहाँ पर देखिए जो ये टायर है ना, इसका यहाँ से बिल्कुल घिस चुका है, इसमें हल्की सी भी आपको गुड्डी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो होता क्या है, तो ये मेरी अपनी बाइक है यहाँ पे, ठीक है, इसका टायर ओके है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर इसकी ग्रिप ओके है। तो जब हम नया टायर डलवा लेते हैं ना, तो हमारी बाइक बिल्कुल सही तरीके से चलती है, स्मूथ चलती है, उसके अंदर कोई हैंडल पे भारीपन नहीं होता, तो वो रीजन यहाँ पे था। तो ये जो बाइक है ना, जब हम इसको चलाते हैं, ठीक है, तो ये जो टायर होता है ना, ये जब हम इसको चलाते हैं तो सड़क से बिल्कुल चिपक जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ से फ्लैट हो जाता है। तो जिसके चलते होता क्या है, जब हम बाइक को ना मोड़ते हैं, दाएं बाएं हैंडल को मोड़ते हैं, तो इसमें काफ़ी भारीपन हो जाता है, क्योंकि ये पूरा चिपक के चलता है, ये इसका रीजन होता है। और ये जो टायर होता है यहाँ पर, जब ये इसमें नया डाल देते हैं, तो सिर्फ बीच का सेंटर भाग ही इसका चलता है, ताकि यहाँ पर इसको हैंडल मोड़ने में हमें जो है कोई दिक्कत वगैरह ना हो, फ्रिक्शन फ्री रहेगा, हमारा हैंडल बिल्कुल सही तरीके से हैंडल काम करेगा, ये इसका काम होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब भाई का देखिए यहाँ पर डाउट तो दूर करना था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये मेरा सिर्फ 10 मिनट का ही काम है। तो मैंने क्या किया, अपनी बाइक का यहाँ पे इस जो ये टायर होता है, ठीक है, मान लो इस पूरे चक्के को यहाँ से खोल के मैंने इसमें लगा दिया, और मैंने भाई से कहा कि अब इसको चला के देखो आप, ठीक है। तो भाई ने जैसे इसको चला के देखा, कम स्पीड में और ज़्यादा स्पीड में, तो यहाँ पर बाइक की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल 100% सॉल्व हो गई, जो इसके अंदर हैंडल के अंदर मतलब कि भारीपन था वो यहाँ से सही हो गया। रीज़न क्या था, रीज़न था सिर्फ और सिर्फ इसके टायर का, जो मैंने आपको दिखा दिया। तो भाई ने यहाँ पर 1100 रुपये तो लगवा दिए दो बार, ठीक है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर ये टायर बदलने के, सिर्फ यहाँ पर इसका सोल्यूशन करने के लिए 100 रुपये में इसका काम चला दिया। तो ये इसके अंदर एक छोटी ही जानकारी थी। तो कभी इन फ्यूचर आपके पास कभी ऐसा केस आ जाए, आपने उसके अंदर दो बार गोली ग्रीस कर दिया, कौन सेट डाल दिया, ठीक है, अपने से जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर तब भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, ठीक है, भले ही बाइक बिल्कुल ओके है, उसके अंदर कोई एक्सीडेंट वगैरह केस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर तब आपने क्या करना है, आपने अपनी उस बाइक में जो है दूसरी बाइक का, जिस बाइक का ये टायर ओके होता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये उसको एक बार चेंज करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप इसको याद रखेंगे कि उसका जो टायर होगा ये अगर यहाँ से प्लेन हो जाएगा, तो ऐसे में उसके अंदर जाहिर सी बात है काफ़ी भारीपन हो जाएगा उसके हैंडल में, वो मोड़ने में काफ़ी दिक्कत करेगा। अब यहाँ पर वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो जब पंचर वगैरह होगा ये तो बाद का ही काम है, तो भाई तो इसको डलवा लेगा, मैंने इसको बोल दिया अगर आपने 100% इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है तो आप इसके अंदर ये नया टायर डलवा लो। तो भाई के समझ में आ गया है, तो ये इसके अंदर एक दो दिन में जब इसका बजट होगा तो ये इसके अंदर नया टायर डलवा लेगा। तो यहाँ पर जब भी आप अपनी बाइक के अंदर टायर डलवाएं, ये भी मैं आपको बता दूं, तो आपने ये वाली लंबी
ग्रिप वाला जो लंबी धारी होती है ये वाला टायर डलवाना है, ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। ये ना तो स्लिप करता है ना इसमें कोई कभी दिक्कत आती है। तो ये इसके अंदर आप ये वाला टायर डलवाएं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी अच्छा नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सभी दोस्तों हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिल से रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।